नमस्कार दोस्तों, दिस इज मॉक टेस्ट 70। आइए कुछ क्वेश्चन हैं, ये लास्ट टॉपिक है इसका, लास्ट कुछ क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन आप पढ़िए। ये क्वेश्चन कहता है कि इन अ कम्युनिकेशन सिस्टम बोथ ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग एंटीनाज आर वर्टिकली पोलराइज। देखिए दोनों का इसका मतलब पोलराइजेशन मैचिंग है, इट मीन्स देयर इज नो लॉस एट ऑल। ठीक है, अब आप इसमें देखिए, ये कह रहा है कि वर्टिकली पोलराइज है, दैट मीन्स ये भी एक ट्रांसमीटर एंटीना है, ये एक रिसीवर एंटीना है, दोनों क्या है, वर्टिकली पोलराइज है। तो पोलराइजेशन मैचिंग हो रही है एंड परफेक्ट अलाइनमेंट है। ऑन अ क्लियर सनी डे जो पावर रिसीव्ड एट द रिसीवर है वो कितना है, 1 मिलीवॉट है। तो ऑन अ रेनी डे ड्यू टू रेन इंड्यूस्ड डीपोलराइजेशन, जो पीओपी है, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, पोलराइजेशन मैंने आपको बताया था, द ऑरियंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स ऑफ द ईएम वेव्स defines polarization, ठीक है। It is the nature of the electromagnetic waves that are transverse, ठीक है। तो आप देखिए polarization is only due to the electric field vectors। तो जब आपने क्या किया, क्योंकि rainy day था, rainy day बारिश का दिन था, और उसमें क्या था, depolarization हो गया, मतलब कि depolarization loss हो गया, polarization loss हो गया एक तरह से। तो इस केस में फिर आपका जो है receiver पे जो रिसीव्ड वेव मिलेगी वो पूरी आपको एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ ट्रांसमिटेड सिग्नल नहीं मिलेगी। तो अब जो रिसीव्ड और रिसीव पावर पे जो रिसीवर आएगी, एक्चुअली इट इज प्रोपोर्शनल टू इंसिडेंट पावर इनटू कॉस फाई। ओके, कॉस फाई है। अब ये जो फाई है दिस इज इक्वल टू 90 माइनस 60 डिग्री करते हैं, क्योंकि जो हमारा क्या बोलते हैं, जो हमारा रिसीवर वेव होता है, इट इज जनरली एट द रिसीवर एंटीना एंड द ट्रांसमिटर एट द ट्रांसमिटर एंटीना, बोथ जो होते हैं अलाइनमेंट होना चाहिए उनका, there should be perfect alignment and the perfect polarization matching। तो यहाँ पे generally 90 degree का shift हो जाता है, तो 90 minus 60 करते हैं, मान लीजिए, ठीक है। तो आप इसको देखिए, P input आपको कितना दिया है, 1 milliwatt, और cos phi कितना दिया है आपको, cos 30 हो जाएगा, क्योंकि 90 minus 60 30 होता है, cos 30 is how much, it is around √3/2, तो 0.866 milliwatt आना चाहिए। देखिए book में answer गलत दिया है, उसने cos 30 को 0.5 बोला, जो कि नहीं होगा। तो यहां पे आप देखिए, ये जो है 0.866 मिलीवॉट, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, फॉर प्रोड्यूसिंग रेडिएशन पैटर्न्स विद प्री डिटरमाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक बीम विड्थ, साइड लोब लेवल्स एक्सेट्रा, फेज्ड एरे एंटेनास आर वाइडली यूज्ड इन द एंटीना टेक्नोलॉजी। अब आप इसमें देखिए, जो आपका फेज्ड एरे एंटीना होता है, पहले तो आप बताइए माइक्रोस्ट्रिप एंटेनास हम पढ़ रहे हैं, माइक्रोस्ट्रिप एंटेनास क्या होते हैं? माइक्रोस्ट्रिप एंटेनास मेनली हम इनको प्रिंटेड एंटेनास बोलते हैं। ये जो आपके माइक्रोस्ट्रिप एंटेनास होते हैं, क्योंकि ये ओपन एंडेड स्ट्रक्चर होता है, ये मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, डायलेक्ट्रिक सबस्ट्रेट, यहाँ पे ग्राउंड प्लेन होता है, यहाँ पे कंडक्टिंग स्ट्रिप होती है, क्योंकि ये एक ओपन एंडेड स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो माइक्रोस्ट्रिप एंटेना, इसको हम प्रिंटेड एंटेना भी बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंटेड एंटेना भी बोलते हैं। एंड इट कैन बी फैब्रिकेटेड यूजिंग माइक्रोस्ट्रिप टेक्नोलॉजी ऑन पीसीबी, पीसीबी पे हम इसको फैब्रिकेट कर सकते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ इंटरनल एंटीना जो हम माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी में यूज करते हैं। और माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी आपको मैंने बताया था, वैसे तो ये होता है 0.1 to 40 GHz तक होता है, या क्योंकि इसके सब पार्ट्स होते हैं, माइक्रोवेव है, मिलीमीटर वेव है, सब मिलीमीटर वेव्स है, तो जनरली ये 1 to 300 GHz लेते हैं, इसी में सब पार्ट्स आते हैं, माइक्रोवेव, मिलीमीटर वेव, सब मिलीमीटर वेव। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए, ये जो फेज्ड एरे एंटीना की बात कर रहा है, फेज्ड एरे एंटीना में क्या होता है, ये फेज्ड एरे होता है, विच एरे जानते हैं आप, एरे मतलब मल्टीपल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर कनेक्टेड, ओके, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द डायरेक्टिविटी एंड टू इंक्रीज द गेन, ये एरे होता है। तो जो फेज्ड एरे एंटीनाज होते हैं, इट मींस एन इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे होता है, विच इज अ कंप्यूटर कंट्रोल, जो कि कंप्यूटर के कंट्रोलिंग पे डिपेंड करता है। एरे ऑफ एंटेनाज होते हैं विच क्रिएट्स अ बीम ऑफ रेडियो वेव, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिकली स्टीयर कर सकते हैं, जैसे आपका कार में स्टीयरिंग होता है ना, हम इलेक्ट्रॉनिकली इसको स्टीयरिंग कर सकते हैं, स्विचिंग कर सकते हैं टू द पॉइंट इन डिफरेंट डायरेक्शंस विदाउट मूविंग एंटेनाज। कहने का मतलब ये है कि ये जो आपका फेज्ड एरे एंटेनाज है, इसमें क्या होता है, क्योंकि एक तो एरे का मतलब आपको पता ही है कि मल्टीपल नंबर ऑफ एंटीना एलिमेंट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो जो फेज्ड एरे एंटेनाज होते हैं, इसमें ईच एंड एवरी एंटीना एलिमेंट हैज एन एनालॉग मॉड्यूल, मतलब हर एक एंटीना के पास एक ट्रांसमीटर और रिसीवर मॉड्यूल होता है। ओके, एंड इसमें क्या है, विच क्रिएट्स फेज शिफ्टिंग, जो कि क्योंकि फेज्ड एरे एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, तो ये फेज शिफ्टिंग क्रिएट करता है, ठीक है, ये फेज शिफ्टिंग क्रिएट करता है, रिक्वायर टू इलेक्ट्रॉनिकली स्टीयर द एंटीना बीम, एंटीना बीम को इलेक्ट्रिकली शिफ्ट करता है, जैसे यहां से इसको इधर शिफ्ट कर दिया या इसको इधर स्विच कर दिया, इस तरीके से। तो मैं इसको अभी डीप लेवल में नहीं बता रही हूँ, क्योंकि अभी ये तो ये बिल्कुल ट्रू है। अब इसका जो रीजन क्या दिया है, बिकॉज
In phased array antenna system, the resultant radiation pattern. What do you mean by radiation pattern? Radiation pattern kya hota hai? It is the graphical representation of the radiation characteristics of the antenna as a function of the spatial coordinates. Aapne padha r, theta, phi. Generally, hum isi mein antenna ke characteristics ko measure karte hain. Theek hai? It is formed by the superposition of electromagnetic waves radiated from various antenna elements. Kyunki multiple antenna elements hain. To har ek antenna element se jo bhi wave radiate hogi, EM waves, uske superposition se एक रेडिएशन पैटर्न जनरेट होता है विच मेंटेन द प्री डिटरमाइंड फेज कंडीशन, जो कि बिल्कुल सही रीजन है इसका. तो ये आंसर आपका एग्जैक्ट करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. दिस रीजन इज एब्सोल्युटली ट्रू एंड इट इज द ट्रू एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन. आपको समझ में आ गया कि फेज एरे एंटीना क्या होता है? इट इज एन इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे, अ कंप्यूटर कंट्रोल्ड एरे of antennas which creates a beam of radio wave that can be electronically steered to point in different directions without moving antennas. Bina antennas ko touch kiye hue ya hilaye dule hum electronically usko steer kar sakte hain, uski switching kar sakte hain. Theek hai? Next question is, which of the following antenna is used as a standard reference for calculating directive gain? Dekhe, GD hota hai, ya isko hum directivity bolte hain, aapne padha bhi hoga, GP is equal to eta GD hai. Half wave dipole, jiski length lambda by 2 hoti, infinite simul dipole, jiski length bahut choti hoti hai, lambda by 50 se start hoti hai, elementary doublet hota hai, ya isotropic antenna hota hai. Isotropic antenna ka radiation pattern ek circle hi hota hai, it radiates uniformly in all the directions. तो आइसोट्रॉपिक एंटीना ही एक आइडियल एंटीना है, क्योंकि ये क्या क्वेश्चन में खुद ही कह रहा है, स्टैंडर्ड रेफरेंस है. हम किसी भी एंटीना की कैरेक्टरिस्टिक्स को विद रिस्पेक्ट टू आइसोट्रॉपिक एंटीना ही मेजर करते हैं. तो आइसोट्रॉपिक एंटीना एक आइडियल एंटीना है, इट इज यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड रेफरेंस फॉर कैलकुलेटिंग डायरेक्टिव गेन. तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पावर हैंडलिंग कैपेसिटी ओके ऑफ ए रिसीवर एंटीना कुड बी वेरी लो. The power handling capacity of a receiver antenna could be very low compared to the identical transmitting antenna. ये सही कह रहा है, क्योंकि जब भी हम transmitter antenna, से जब भी हम signal को radiate करते हैं, whenever the antenna radiates electromagnetic waves to free space through internal processing, जैसे भी करते हैं, तो free space में आपने पढ़ा है, ground wave, surface wave, space wave propagation होता है, different frequency range पे हो सकता है, वहाँ पे hills भी आ सकते हैं, mountains भी आ सकते हैं, buildings भी आ सकते हैं, वहाँ पे reflection, refraction, diffraction होता है, due to certain obstacles present in the environment, ठीक है, या मीडिया के ऊपर भी डिपेंड करता है आप मीडियम कौन सा यूज कर रहे हो. तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग जो आपका सिग्नल है विच इज ट्रैवलिंग थ्रू फ्री स्पेस एंड इट इज कलेक्टेड एट द रिसीवर पॉइंट, वो क्या होगा? इट कुड बी वेरी लो. जो उसकी इंटेंसिटी होगी या जो उसका स्ट्रेंथ होगा या जो उसकी कैपेसिटी होती है, क्षमता, वो लो ही, थोड़ा सा लो होगा. As मतलब हमें आउटपुट वी विल नेवर गेट द आउटपुट एज एन एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ द ट्रांसमिटेड सिग्नल. जैसे आप फोन से एक किसी को आप यूएसए से बात कर रहे हैं, तो वहां पे क्या है, सिग्नल आपको एकदम क्लियर नहीं सुनाई देगा, क्योंकि कई बार क्या होता है, नॉइज आती है, बैकग्राउंड नॉइज आती है, एटमॉस्फेरिक नॉइज होती है, गैलेक्टिक नॉइज होती है. तो इसीलिए हमें एग्जैक्टली ए टू जेड तो हमें पूरा नहीं पता चलेगा, अक्षर का ज्ञान नहीं होगा. तो इसीलिए ये तो एकदम एब्सोल्युटली राइट स्टेटमेंट है, बिकॉज ये कह रहा है अ ट्रांसमिटर एंटीना हैज टू रेडिएट अ लार्ज पावर. ये सही है, द रिसीवर एंटीना विल हैव टू डील ओनली विद अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द रेडिएटेड पावर फ्रॉम द ट्रांसमीटर. गलत है ये. क्या जो रिसीवर है, हमें रिसीवर क्यों चाहिए? अगर मैं कुछ आपको एक्सप्लेन कर रही हूं और आपको सुनाई नहीं दे रहा, या आपको मेरा केवल मेरा आपको एक सेंटेंस का फर्स्ट लेटर ही सुनाई देता है, तो क्या मेरा ऑब्जेक्टिव ये थोड़ी है कि आप मेरा केवल फर्स्ट लेटर ही कैच करो? तो रिसीवर एंटीना का पर्पज ये थोड़ी है कि इट हैज टू डील ओनली विद अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन. वेरी स्मॉल फ्रैक्शन तो बहुत गलत है. एटलीस्ट एग्जैक्ट रेप्लिका ना हो, लेकिन एटलीस्ट हम क्या कर सकते हैं, बीच बीच में हम कुछ इसमें सिग्नल प्रोसेसिंग इक्विपमेंट्स रखते हैं, फिल्टर्स रखते हैं, बूस्टर्स रखते हैं, एम्पलीफायर्स रखते हैं, LNA आपने पढ़ा होगा रिसीवर में, ताकि हम उसकी इंटेंसिटी को ऑप्टिमाइज कर सकें, उसकी स्ट्रेंथ को हम वीक होने से रोक सकें, है ना? तो इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत है, ए ऑप्शन सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एन अर्थ स्टेशन ट्रांसमीटर विद एन एंटीना आउटपुट पावर ऑफ 40 dB वॉट, आपके पास एंटीना आउटपुट पावर कितनी है? 40 dB वॉट है. अब बैक ऑफ लॉस है 3 dB का. देखिए ये क्वेश्चन बहुत आसान है. PR इज इक्वल टू PT GT GR लैम्डा बाई 4πR का स्क्वायर. देखिए हमेशा इसी क्वेश्चन, ये फॉर्मूला तो आप रट लीजिए, क्योंकि इस पर बेस्ड हमेशा आंसर्स आते हैं, क्वेश्चन आते हैं. अब आप हमें सब कुछ डीबी में दिया. ERP क्या है? इफेक्टिवली आइसोट्रॉपिक रेडिएटेड पावर, जिसकी वैल्यू होती है PT इंटू GT, हमें ये दिया हुआ है. अब हम क्या करेंगे,
हम इसको क्या करेंगे, हमें देखिए लॉस कितना दिया, हमें दो तो लॉस दिए हुए हैं, एक हमें दिया बैक ऑफ लॉस दिया और एक हमें फीडर लॉस दिया, लॉस हमेशा माइनस होता है, ये लॉस दिए हुए हैं हमें, यानी कि हमें दो टू पीएल दो पावर लॉसेस दिए, ट्रांसमीटर एंटीना गेन दिया है 4 dB, अब हमें ये क्या दिया आउटपुट पावर दिया है। अब आप देखिए मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, पीटी माइनस ट्वाइस पीएल लिख सकती हूँ प्लस गेन ऑफ ट्रांसमीटर एंटीना प्लस गेन ऑफ रिसीवर एंटीना लिख सकती हूँ, क्योंकि ये क्या होता है EIRP, हमें EIRP निकालना है, ये तो फ्रिज ट्रांसमिशन इक्वेशन है, इसका यहाँ यूज नहीं है, केवल EIRP पूछ रहा है, तो PTGT होगा। तो PT कितना दिया है हमें 40 dB, 40 dB वॉट दिया है, 40 dB वॉट मतलब 10,000। आप इसको ऐसे भी तो देखिए, आपने dB dBm पढ़ा है, dBm जब भी हम लेते हैं तो विद रेफरेंस टू 0 mW लेते हैं, dB वॉट विद रेफरेंस टू 0 W लेते हैं, तो ये जो आपका dB वॉट है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 10 log base 10, अगर मैं इसको बोलूं इज इक्वल टू 40, तो ये कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 10^4 नहीं हो जाएगा, तो यानी कि 10,000 times 40 नहीं हो जाएगा, तो वही चीज यहाँ पे लिखी है। एंड ट्रांसमीटर एंटीना गेन कितना दिया है आपको, 4 dB, ये हमें 4 dB दिया, यानी कि 2 times जो इसका लॉस है, मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, बैक ऑफ लॉस ऑफ 3 dB यानी टोटल ब्रांचिंग एंड फीडर लॉस ऑफ 3 dB, मैं इसको या तो 2 × 3 कर दूं या मैं इसको 3+3 भी तो कर सकती हूँ, बात तो एक ही हुई। ट्रांसमीटर गेन कितना दिया है 4 dB, देखिए 2 dB मतलब 3 dB का मतलब होता है 2 times, जब भी हम 3 dB की बात करते हैं तो इट मींस 2 times रेशियो में, 6 dB का मतलब होता है 4 times, ओके। अब हमें 4 dB का दिया है, ये तो हमें ऑलरेडी 4 dB में दिया हुआ है, हमें रेशियो निकालना नहीं, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 40 − 6 + 4, तो ये कितना हो जाएगा 40 − 6, 34 + 4 यानी कि 38 dB। तो आप देखिए ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इसरो में भी आया है, तो 38 dB वॉट मतलब dB dB वॉट अगर ऑप्शन में दिए हैं, dB प्लस जनरली डीबी वॉट इज इक्वल टू डीबी वॉट ही होता है, ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, एंड इलिप्टिकली आर्बिट्रली पोलराइज्ड वेव कैन बी ब्रोकन अप इनटू, मैंने आपको बताया था इलिप्टिकली वेव में क्या होता है, नाइदर जो इनके एम्पलीट्यूड कंपोनेंट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, ना ही इनका फेज डिफरेंस एंड इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 होता है, ठीक है। तो इसमें आप ये कह सकते हैं ये क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर आएगा आपका वो क्या आएगा, 2 circularly polarized components rotating in opposite directions, ये आएगा, ओके? तो ये क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट है, a communication link is to set up between 2 stations, देखिए ये दिया है, the operating frequency is 100 megahertz and इसमें जो आपको दिया हुआ है, देखिए डायरेक्टिविटी ऑफ, बिल्कुल वही क्वेश्चन है, PR is equal to PT GT GR, इंटू मैं इसको क्या लिख सकती हूँ 4 pi, यहाँ लेमडा होता है, लेमडा को नीचे फेंका, 4 pi r/λ का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे आप वैल्यूज पुटअप कीजिए, PT कितना दिया है आपको, PT 1 kW पावर दिए मतलब 1 × 10³, GT कितना दिया है आपको, देखिए GT आपको 1.64 दिया है दोनों एंटीना का, तो ये 1.64 × 1.64 लिख सकती हूँ, फिर 4 pi × इसमें आप देखिए कि 100 किलोमीटर अपार्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टेशन, 100 किलोमीटर अपार्ट है, तो मैं इसको 100 × 10³ लिख सकती हूँ, अपॉन लेमडा कितना दिया हुआ है, लेमडा आपको दिया हुआ है अपार्ट यूजिंग जो इसमें लेमडा है, आपको फ्रीक्वेंसी दिया 100 MHz, तो लेमडा इज इक्वल टू C/F हो गया, मीन्स ये हो जाएगा अपॉन 100 MHz को 10^8, तो ये 3 meter हो गया, ये 3 meter हो गया, ये स्क्वायर हो गया, ओके। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, 1 × 10³, मैं 1.64 को 2 मान सकती हूँ, तो 2 × 2 कितना हो गया, अगर मैं 1.64 को अप्रोक्सीमेटली मैं राउंड ऑफ कर दूं, अगर इसको 2 भी मान लिया, इसको 2, तो ये 4 हो गया, अपॉन ये कितना हो गया 16 pi² × ये 10^10 हो जाएगा, और 3 ऊपर चला गया 9 हो गया, 4 × 4 = 16, ओके। और मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, पाई स्क्वायर को 9 मान लिया अगर मैंने, तो ये कैंसिल हो गया, तो कितना हो जाएगा 10³/4 × 1/10^10, दैट मींस 10⁻¹⁴, तो ये कुछ 0.25 है, लेकिन इसमें 0.25 वाला ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब राउंड ऑफ से काम नहीं चलेगा, हमें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये कितना है 4 pi² है ना, तो ये 16 pi² और ऊपर 9 आ जाएगा, ये आपको पूरा मतलब 1.64 को फिर आप या तो 1.6 लीजिए आप, नहीं नहीं फिर आप एक काम कीजिए, 1.64 को आप 1.6 लीजिए, क्योंकि मेरा जो आंसर आ रहा है देखिए 0.25 है, 0.25 × 10⁻⁷ है,
अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 25 इंटू 10 की पावर माइनस 7 इंटू 10 की पावर माइनस 2, तो ये कितना हो जाएगा 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 8 अगर मैं देखूं। अब 2.5 आप देखिए, अगर मेरा पास, अगर मैंने राउंड ऑफ किया है, 1 तो ये हो नहीं सकता। देखिए अगर मैं इसके उससे भी देखूं, 1 तो ये हो नहीं सकता, 6 तो बहुत ज्यादा है, 3.06 है और ये 2.5 है। 2.5 जनरली ये आंसर आ रहा है क्योंकि 3.06 है ना, ये 3.06 भी थोड़ा ये डिजिट वेरी कर रहा है थोड़ा सा, तो हमने 1.53 ले लिया। ठीक है, तो आपका जो आंसर है ये ऑप्शन आएगा। आप लोग भी कैलकुलेट कीजिएगा। पैराबोलिक रिफ्लेक्टर्स यूज कासी ग्रेन फीड। देखिए मैंने आपको बताया था कि जो कासी ग्रेन फीड होता है, ये फीड हम कहाँ यूज करते हैं, पैराबोलिक रिफ्लेक्टर में यूज करते हैं। इट एक्ट्स एज अ हाइपरबोलाइड एंड इट इज प्लेस्ड अपोजिट टू द फीड ऑफ एंटीना। हम क्या करते हैं, इसको हमेशा फीड ऑफ एंटीना के अपोजिट रखते हैं, अपोजिट टू फीड ऑफ एंटीना। और मेनली इसका फंक्शन क्या है कि इट रिड्यूसेस द ब्लॉकिंग, अपर्चर ब्लॉकिंग एंड स्पिल ओवर और अपर्चर ब्लॉकिंग को रिड्यूस करता है। ठीक है, ठीक है। अब आप इसमें देखिए कि सो दैट द वेव गेट्स रिफ्लेक्टेड ट्वाइस, तो हम जो पैराबोलिक इसका देखिए घुमा फिरा के क्वेश्चन आता है, तो इसमें जो इसका आंसर होगा टू अलाउ द फीड टू बी प्लेस्ड एट अ कन्वीनियंट पॉइंट सो दैट वी कैन गेट द वेव टू बी रिफ्लेक्टेड ट्वाइस। ठीक है, अब आप इसमें देखिए पैराबोलिक रिफ्लेक्टर्स मैंने आपको बताया था, इट इज यूज टू कलेक्ट एनर्जी फ्रॉम अ डिस्टेंट सोर्स विच देन फोकसेस द रेडिएशन फ्रॉम एन आइसोट्रॉपिक सोर्स इनटू नैरो बीम। तब ये क्या करता है, एक आइसोट्रॉपिक सोर्स से किसी नैरो बीम में रेडिएशन को फोकस करता है ताकि वहां पे इसका गेन भी ज्यादा होता है, डायरेक्टिविटी भी ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इसका आएगा। नेक्स्ट है स्लॉट एंटीना इज एसेंशियली, जो आपका ये स्लॉट एंटीना है, ठीक है, ये कह रहा है कि अ स्लॉट एंटीना is essentially a waveguide with a slot length of 1/2 length with a radiation pattern similar to that of dipole with plane reflection, ये कह रहा है ये, and इसमें कह रहा है कि because slot antenna has a gain much higher than that of horn antenna। देखिए slot हम क्या बोलते हैं, slot क्या होता है, एक hole होता है, ऐसे कहीं हमने एक slot बना दिया, एक drilling बना दी। slots जैसे हम बोलते हैं ना, ये जो different antennas हैं, स्लॉट एंटीना एक टाइप का वेवगाइड एंटीना होता है, विच इज ट्रू, जिसकी जो लेंथ होती है वो होती है 1/2 ऑफ लैम्डा, जिसका जो रेडिएशन पैटर्न होता है, रेडिएशन पैटर्न मैंने आपको बताया था कि इट डिटरमाइंस द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रेडिएशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटीना इन स्पेशल कोऑर्डिनेट्स आर थीटा फाई एंड व्हाट आर द रेडिएशन कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक इट्स बीम विड्थ एंड इट्स पावर पैटर्न, इट्स एफिशिएंसी, इट्स गेन, इट्स डायरेक्टिविटी, इसके जितने भी फैक्टर्स हैं वो सारे रेडिएशन पैटर्न में आ जाते हैं। ठीक है, बैंडविड्थ, बीम विड्थ, ठीक है, तो ये सही है, विच इज सिमिलर टू दैट ऑफ डाइपोल विद प्लेन रिफ्लेक्शन, ये स्टेटमेंट सही है आपका, बिकॉज स्लॉट एंटीना का जो गेन होता है, नहीं ये गलत है। जनरली हॉर्न एंटीना देखिए, इट एक्ट्स एज अ वेरी गुड फीडर इन पैराबोलिक रिफ्लेक्टर, मेनली एक्टिव एलिमेंट इन डिश एंटीना यूज होता है। ये जो आपका हॉर्न एंटीना होता है, इट इज यूज एज एन एक्टिव एलिमेंट इन डिश एंटीना, यहां ये यूज होता है। अब आप इसमें देखिए कि ये जो हॉर्न एंटीना है, मेनली ये फीडर का काम करता है पैराबोलिक रिफ्लेक्टर्स में, और ये क्यों करता है, ताकि ये मिनिमाइज कर सके लॉस को और बीम को फोकस कर सके डिजायर डायरेक्शन में इन ऑर्डर टू हैव द मैक्सिमम रेडिएशन इंटेंसिटी। तो ये जो इसका गेन हॉर्न एंटीना से कभी भी ज्यादा नहीं होता है स्लॉट एंटीना का, तो मेनली, और वेवगाइड मैंने आपको बताया था, वेवगाइड क्या होता है, देखिए जो वेवगाइड है, अगर ये हम इसकी बात कर रहे हैं कि जो वेवगाइड है, ये वेवगाइड क्या होता है, इट इज अ हॉलो कंडक्टिंग एंटीना विद यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, यही होता है ना, इट इज अ हॉलो कंडक्टिंग ट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। देखिए स्लॉट एंटीना की जब हम बात करें, तो स्लॉट एंटीना मतलब एक छोटा सा पोर्शन होता है विच कंसिस्ट ऑफ ए मेटल सर्फेस, जो कि एक फ्लैट प्लेट की बनी होती है, एक फ्लैट प्लेट होती है इस तरीके से, इस मेटल सरफेस की बनी होती है, मेटल सरफेस, मेटल आर वेरी गुड कंडक्टर्स, तो जो कि सिग्नल को एंटायरली रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई इंसिडेंट हो रहा है, तो इट कंसिस्ट ऑफ ए मेटल सरफेस जिसमें एक फ्लैट प्लेट लगी होती है जिसमें होल्स होते हैं, जो मैंने आपको बताया ना स्लॉट एंटीना, मतलब कहीं ड्रिलिंग कर दो तो एक होल आ जाता है, तो वहां से सिग्नल को आप पास कर सकते हो या सिग्नल लीक हो जाता है, तो ये बात होगी। तो जनरली इसमें क्या होता है, फ्लैट प्लेट होता है और इसमें काफी सारे होल्स होते हैं या स्लॉट्स होते हैं, कटआउट होता है, इसमें कट करके हम यहाँ पे होल्स बनाते हैं ऐसे। ठीक है, जब इस प्लेट को आप ड्रिवन करते हो एक एंटीना के माध्यम से, जब आप इसको इसमें इनपुट डालते हो या इसके थ्रू आप एंटीना
के थ्रू जब आप सिग्नल को इसमें एक्साइट करते हो बाय ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी, तो जो स्लॉट होता है ये ईएम वेव्स को, इसी स्लॉट से जो ईएम वेव्स होती हैं ये रेडिएट होती हैं, ठीक है, इन अ सिमिलर वे टू अ डाइपोल एंटीना. तो इसीलिए ये आंसर बिल्कुल आपका सही है कि जो स्लॉट एंटीना है इसमें ये होता है. स्लॉटेड एंटीना एरेज जो हम वेवगाइड्स के साथ यूज करते हैं, मेनली कहाँ कहाँ यूज होते हैं, नेविगेशन में, रडार में एंड अदर हाई फ्रीक्वेंसी सिस्टम में होता है. तो वेवगाइड जो होता है इट इज अ वेरी लो लॉस ट्रांसमिशन लाइन. आपको मैंने बताया था कि वेवगाइड में हाई पावर हैंडलिंग कैपेसिटी होती है, हाई पावर को ये हैंडल कर सकता है, लो लॉस होता है. एंड मेनली जो आपका स्लॉटेड एंटीना एरेज में भी हम इनको यूज करते हैं, जब इसको हम वेवगाइड्स के साथ यूज करते हैं तो ये नेविगेशन रडार में यूज होता है. तो इट अलाउज टू प्रोपेगेट सिग्नल्स टू अ नंबर ऑफ स्मॉलर एंटेनास एंड ईच ऑफ दीज स्लॉट्स अलाउज अ लिटिल ऑफ द एनर्जी टू रेडिएट. तो जब भी आप स्लॉट की बात करेंगे तो यहाँ पे होल्स होते हैं जिनको कटआउट करके निकाला जाता है, और जब हम इनको एंटेना के थ्रू एक ड्राइविंग फ्रिक्वेंसी पे एक्साइट करते हैं सिग्नल को, तो ईएम वेव्स इसी कटआउट होल्स के थ्रू रेडिएट होते हैं. लेकिन इसका जो गेन होता है, वो इसका इतना अच्छा नहीं होता है. वो हम यही कह सकेंगे कि लिटिल लिटिल ईएम वेव्स रेडिएट होते हैं, लेकिन इसका हॉर्न एंटीना का गेन ज्यादा अच्छा होता है. तो इसका जो लास्ट ऑप्शन होगा वो सी होगा. स्टेटमेंट 1:2 बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स. तो देखिए इसी प्रकार आप माइक्रोस्ट्रिप एंटेनास के बारे में, आज ये टॉपिक खत्म हो गया, कल हम दूसरा टॉपिक लेके आएंगे. आप लोग मुझे कमेंट्स में लिखिए कि आपको कौन सा टॉपिक जल्दी चाहिए, क्योंकि दिसंबर में आपका नेट का एग्जाम है 5 December ऑनवर्ड्स. तो मेरे से जितना हो सकेगा मैं करूंगी, मैं टाइम निकाल के फटाफट एक दिन में 2-3 वीडियोज ही बना सकती हूँ. तो आप पहले कमेंट्स लिखिए कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं, तो मैं उसको फटाफट बना के अपना प्रिपेयर करके आपको फटाफट बताऊंगी. थैंक यू वेरी मच.